Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about advanced label की grammar पे discuss करेंगे और यहाँ पे हम use of has to और have to का use करेंगे in compulsion, right friends? So friends, let's start the class. So friends, मैंने यहाँ पे जो topic को नाम दिया है present में हम discuss कर रहे हैं और compulsion पे compulsion words होते हैं जो चीज हम मजबूरी में use करते हैं और ये इसका part फर्स्ट है. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज ऑफ हैज और हैव टू. हैव के साथ भी टू है और हैज के साथ भी टू है. सो फ्रेंड्स इफ यू आर लुकिंग फॉर द हिंदी आइडिया ऑफ दिस यू नो, तो सबसे पहले हिंदी आइडिया यहाँ पे जिन भी हिंदी वाक्य पे ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते है मजबूरी में कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है. मैं दिल्ली जाता हूं प्रेजेंटेड है आई गो टू दिल्ली. मुझे दिल्ली जाना पड़ता है. मैं खाना बनाता हूं आई कुक फूड. मुझे खाना बनाना पड़ता है तो उस कंडीशन में हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं. तो आज हम इसी वीडियो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे. कंपल्सन मींस होती है मजबूरी, राइट फ्रेंड. सो फ्रेंड्स हैज टू का जो यूज है ही सी इट एनी नेम के साथ किया जाता है और हैव टू का यूज किया जाता है आई वी दे यू के साथ, राइट. आई होप आप समझ रहे होंगे कि हैज टू का यूज मैंने बताया ही सी इट एनी नेम और हैव टू का यूज आई वी दे यू के साथ. और हैज टू और हैव टू का जो हिंदी में मतलब है वो है जिन भी हिंदी वाक्य में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है और ये कंपोजर में यूज किए जाते हैं और ये प्रेजेंट में पार्ट फर्स्ट है, राइट फ्रेंड. सो फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल देखिए मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, राइट. आई के साथ हैव टू, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है. मैं अंग्रेजी बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश इन प्रेजेंट इंडेफिनिट बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपल्सन तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. फाइन ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर She has to cook food. उसे खाना बनाना पड़ता है. Next example, one more. Ravi has to sing a song. Ravi को गाना गाना पड़ता है. Ravi गाना गाता है. Ravi sings a song. But in compulsion, Ravi has to sing a song. फाइन ओके. आई होप आप समझ रहे होंगे कंपल्सन में जो हम यूज करते हैं हैज टू का और हैव टू का. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव सेंटेंस. सो फ्रेंड्स नेगेटिव में थोड़ा एडवांस लेवल की ग्रामर है फ्रेंड्स. अगर आपने मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, राइट. सब्जेक्ट आई वी दे यू ही सी एनी नेम देन डोंट. डोंट का यूज किया जाता है फ्रेंड्स आई वी दे यू के साथ. इनके साथ डू और डोंट का यूज, राइट. और डजन का यूज डजन और डज का यूज ही सी यानी नेम के साथ, राइट. कि आई डोंट हैव टू और हैव क्या है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. जो हैज डोंट और डजन के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हैव, राइट. तो हैव क्या है यहां पे एक प्लुरल वर्ब है सिमिलर वर्ब. डज नॉट के बाद भी हैव भी आता है, हैज नहीं आता है. गेटिंग फ्रेंड्स आर यू गेटिंग. सो देखिए फ्रेंड्स यहां पे आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश. आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स सी डजंट हैव टू कुक फूड. तो यहां पे हैज टू बोलना सरासर गलत होगा, राइट फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस हमारे यहाँ पे इंटरोगेटिव में डू डस जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि डू का यूज आई वी दे के साथ और डस का ही सी एनी नेम के साथ. कि डस सी हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. फाइन ओके. नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस फ्रेंड्स यहाँ पे आई एम इंटरोगेटिव नेगेटिव. डोंट का यूज आई वी दे के साथ और डजन का ही सी
एनी नेम के साथ. डोंट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डजंट सी हैव टू स्पीक इंग्लिश. फाइन ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी आई मीन्स डबल इंटरोगेटिव, यहाँ पे डबल एच फैमिली को एड किया जाता है. वाई मीन्स क्यों, वाई डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, और सिमिलर के साथ वाई डज सी हैव टू कुक फूड. आई होप आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स. और लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैंने शॉर्ट में लिखा है डी आई एन, क्वेश्चन वर्ड्स देन डोंट और डजन. मैंने आपको बताया है डोंट का यूज आई वी दे यू, और डजन का यूज ही सी इट एनी नेम के साथ. व्हाई डोंट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डजन सी हैव टू कुक फूड. फाइन ओके फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, कंपल्सन में हमने यूज किया हैज टू और हैव टू का. आई होप आपकी समझ में वीडियो आया होगा. सो फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज जो भी नए वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे. सो फ्रेंड्स कमेंट्स करना ना भूलिएगा. सो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट एंड कॉपरेट्स मी. सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नाइस मीटिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग.